fellas, how are you all? भाइयों के नाम क्या हैं?
था। भाइयों के नाम क्या थे दोनों? सचिन और रवि। सचिन और रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों भाई कहाँ के लिए खेलते थे? दोनों भाई कहाँ के लिए खेलते? नीम का पेड़ किस किस काम आता है? क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर इज, देखिए जैसे कि हमने चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था कि नीम का पेड़ दांत साफ करने में काम आता है, थोड़े कुंजियों में काम आता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नारियल का पानी क्यों पीते हैं? नारियल का पानी क्यों पीते हैं? सो जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेन किया था ये चैप्टर में कि सचिन और रवि ने नारियल का पानी किसलिए पिया था, इसका आंसर आएगा प्यास बुझाने के लिए। प्यास, ये देखिए प्यास बुझाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हमें कैसा आम खाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5, हमें कैसा आम खाना चाहिए? तो आंसर है इसका, ये तो आप सबको ये पता होगा कि हमें कैसा आम खाना चाहिए, कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का। सो इसी के साथ हमारे मॉक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कराती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों भाइयों के क्या नाम है? तो आंसर इसका सचिन एंड रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों भाई कहाँ के लिए निकले थे? सो आंसर है घूमने के लिए निकले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नीम का पेड़ किस किस काम आता है? जैसे कि हमने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, दांत साफ करने में और फोड़े कुंजियों में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नारियल का पानी क्यों पीते हैं? बताया आप सबको नारियल का पानी क्यों पीते हैं? प्यास बुझाने के लिए। क्या करने के लिए पीते हैं नारियल का पानी? प्यास बुझाने के लिए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें कैसा आम खाना चाहिए? आम हम सब खाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर है कच्चा और कच्चा और पक्का दोनों प्रकार, कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का। तो
दोनों प्रकार का। ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है इसके हमारे मॉक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपको इसके लिखित क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ओके, सो क्लास थर्ड, अब तक हमने हमने आपको पार्ट 18 वृक्ष हमारे मित्र की रीडिंग भी लगाई है, कठिन शब्द और मौखिक प्रश्न उत्तर किए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इसका लिखित प्रश्न उत्तर, जो सबसे फर्स्ट में है, नीम की पत्तियों के क्या उपयोग हैं। प्रश्न नंबर एक, नीम की पत्तियों के क्या उपयोग है, क्या उपयोग है। इसका उत्तर है नीम के पत्तों को दरवाजे पर लटका दें तो बीमार नहीं होते, तो बीमार नहीं होते। इसके बाद इनको सुखाकर कपड़ों में भी रखा जाता है, कपड़ों में भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दो, नीम का तेल किससे निकाला जाता है, इसका क्या प्रयोग है। नीम का तेल किससे निकाला जाता है, क्या प्रयोग है इसका। क्या प्रयोग है, तो इसका उत्तर है नीम का तेल निंबोली से निकाला जाता है। निंबोली जो नीम के पेड़ पर होती है, नीम का तेल निंबोली से निकाला जाता है। यह थोड़े फुंसियों को ठीक करता है, यह थोड़े फुंसियों को ठीक करता है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बता रहे हैं क्या है, नारियल कहाँ अधिक होता है।
नारियल कहाँ अधिक होता है? उसके बाद है इसे किस किस केरल में अधिक पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं एंड अब इसके बाद नारियल की जड़ों को साफ करके रस्सी भी बनाई जाती है। नारियल की जड़ों से रस्सी भी बनाई जाती है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कच्चा आम किस किस काम आता है? क्वेश्चन नंबर 4 है कच्चा आम काम आता है, किस किस काम आता है? इसका उत्तर है कच्चे आम को भूनकर पत्ता बनाया जाता है। कच्चे आम को भूनकर कच्चे आम को भूनकर क्या बनाया जाता है? पन्ना। कच्चे आम को भूनकर पन्ना बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये वर्क हमने कर दिया है कंप्लीट, तो हम इसको रफ कर देंगे। सो और हाँ, कच्चे आम का अचार भी बनाया जाता है। क्या होता है कच्चे आम का? कच्चे आम का अचार भी बनाया जाता है, जो कि हम सबके घर पर भी बनता है। अचार भी बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमें वृक्ष क्यों लगाने चाहिए? यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर आधारित है। हमें वृक्ष यानी पेड़ पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए? हमें वृक्ष क्यों लगाने चाहिए? क्यों लगाने चाहिए? तो इसका उत्तर है वृक्ष से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। क्या मिलती है वृक्ष से? ऑक्सीजन। और हमारे वृक्ष मित्र भी हैं। वृक्ष हमारे मित्र हैं। मित्र का अर्थ होता है फ्रेंड। वृक्ष हमारे मित्र हैं।
से हमें ऑक्सीजन मिलती है, क्या मिलती है हमें ऑक्सीजन, वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। साथ हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है।